हरियाणा गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आयोजित आज इस रैली में मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को सत सत सेवा जोहार करता हूं। आज इस मंच पर मंचासीन है हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय तुलेश्वर मरकाम जी, मंच पर मंचासीन है नव कुमार सरनिया जी जो सांसद हैं लोकसभा असम से आए हैं और आज के मुख्य अतिथि हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्याम सिंह मरकाम जी राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, संजय कमरो जी, नंद किशोर राज जी, डॉक्टर एल एस उदय जी, संतोष चंद्रकर जी, बलबीर सिंह तोमर जी, सतीश नागवंशी जी, अनिल सिंह गोंड, कुलदीप प्रजापति, हेमलाल मरकाम जी, सभी पदाधिकारीगण आज सरकार के जन विरोधी कानून पास कर रही है उसको लेकर के हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। साथियों, आज पहले 32% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों को मध्य प्रदेश सरकार ने दी, इसके बाद उसको कम करके 20% कहीं 16% ऐसी बातें सरकार के बीच में चलने लगी है जो आपके हितों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो भूपेश बघेल सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि जिसके जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, वरना इस सत्ता से आप बाद दखल हम कर देंगे। साथियों, आज भूपेश बघेल अनुसूचित जनजातियों के बदौलत इस छत्तीसगढ़ की सरकार कमान संभाले हुए हैं और वही जनजातियों के हितों को कुठाराघात कर रहे हैं, उन्हें जो है उनके हक अधिकारों से बेदखल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं एक बार, कांग्रेस सरकार जो है हमेशा घोषणा करती है पर आदिवासी हितैषी सरकार बताती है, इससे सिद्ध हो गया है कि आजादी से लेकर के अभी तक कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के साथ में शोषण की है। आज इस बात को बताने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस रायपुर के सरजमी बूढ़ा ताल में इकट्ठा हुई है और हम ये बताना चाहेंगे कि आए भूपेश बघेल, तुमने 70 सालों तक के इन आदिवासियों को बेवकूफ बनाया है, पर आपने इन्हें लंगोट में ला करके खड़ा किया है। आज हम आपको इस मंच के माध्यम से ललकारना चाहते हैं कि अब आपकी ये जो है धोखाधड़ी और ये लूटपाट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार की सरकार अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं चलने देगी। भैया तुलेश्वर मरकाम के नेतृत्व में आने वाले 2023 में हम सरकार बना के रहेंगे। असम से चल कर का आए हमारे साथी सांसद नारंग सलोनिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आपको भी ताकत देंगे साथियों, आपकी हौसले को बुलंद करेंगे साथियों। और साथियों, आज आप सब लोग गांव गांव में जाएंगे, शहर शहर में जाएंगे, मोहल्ला मोहल्ला में जाएंगे और ये भूपेश बघेल की काली करतूतों को और हर नवयुवक और महिला और मात शक्ति को और नन्हे मुन्ने बच्चों को आप बताएंगे कि ये भूपेश बघेल आदिवासियों की शोषण करता सरकार है और ये आरक्षण विरोधी सरकार है, ये केवल इनका मुखौटा लूटने वाली मुखौटा है। उधर राहुल जो है पद यात्रा चला रहे हैं, 70 साल तक अगर अच्छा काम किए होते तो आज राहुल तुम्हें पैदल चलने की जरूरत नहीं होती, हाथ उठा लिए। और एक आदमी आया है पल पल में झूठ बोलता है जिसका नाम है, आप तो देखते हैं, मैं तो कहता हूँ दाढ़ी वाले बाबा। एक दाढ़ी वाला बाबा है जो कभी जाता है कश्मीर के गुफाओं में बैठ जाता है तो कभी कोई टोपी पहन के नाचने लगता है, कभी असम में जाके बाजा बजाने लगता है। इसलिए उसके पोल पट्टी खोलने के लिए असम से भी हमारे सांसद महोदय जी आए हुए हैं। ऐसे लुटेरा है, कभी कहता है 15 लाख दूंगा,
कभी कहता है जनधन खाता खोलूंगा, कभी कहता है आयुष्मान कार्ड बनाऊंगा, कभी कहता है ये कार्ड बनाऊंगा। आप लोगों को कार्ड बना के ये जो दाढ़ी वाला बाबा आपको कहीं का छोड़ा नहीं, करोड़ों अरबों का कर्जा भारत को पिला दिया सर। और इतना झूठ वाला बाबा है, कभी जाता है उज्जैन के महाकालेश्वर में महाकाल बाबा से माफी मांगता है जितना झूठ बोलता है, इसके बाद तुरंत मंदिर में जाता है और माफी मांगता है। भगवान भी कहता है कि यह दाढ़ी वाले बाबा झूठ उतना ही बोल जितना आपको मैं क्षमा कर सकूं, किंतु दाढ़ी वाले बाबा को इतना भी शर्म नहीं आता। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है और कहता है कि इस पुजारी के साथ में मैं बचपन से खेला करता था, ये झूठ बोल देता है। थोड़ी देर बाद कहता है मैं 35 साल से चाय बेच रहा था, कभी कहता है कि मैं फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अब भीख मांग रहा था कि पढ़ रहा था कि मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था कि अब कहां फरार था पता नहीं। तो ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को हम लोग सत्ता सीन कर पर बैठा दिए हैं, किंतु आप लोग यहां से जाएंगे और ये भूपेश बघेल को चेतावनी देंगे कि ये आपकी छल कपट करने वाली सरकार अब आने वाली 2023 में नहीं रहेगी। आप लोग गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, बस्तर के हर कोने में जाएंगे, सरगुजा रायगढ़, हम जहां तक भी जाना है जंगलों में पहाड़ों में आप लोग यहां से जाएंगे, संकल्प लेकर के जाएंगे। भैया तुलेश्वर भैया, श्याम सिंह भैया के नेतृत्व में, तुलेश्वर भैया के नेतृत्व में, नंद किशोर के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह मार्को के नेतृत्व में, संजय कमरो के नेतृत्व में, सारे कार्यकर्ता भिड़कर कंधे से कंधे मिलकर के, अभी हम डोंगरगढ़ से आ रहे थे, यही चर्चा करके आ रहे थे कि कैसी सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार बनाना है। ऐसे हम चर्चा करते करते आए तो यहाँ आने के बाद हमको लग रहा है कि हम कोने कोने से आए हैं, तो इस बार हम सरकार के रहेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमारे पास में पैसा नहीं है पर आपके पास में मुंह है, और इस मुंह के माध्यम से या हमारी बोली के माध्यम से आपको इनके काले करतूतों को गांव-गांव में बता देना है कि ये झूठ बोलने वाली सरकार ये लबरा सरकार है और लबरों की अब कोई सरकार नहीं रहेगी। ऐसे मन में ठान करके साथियों आज हम ये बात करेंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग बड़ी कड़ी मेहनत करना है, कभी कोई गिला सिकुआ नहीं रहना है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन कार्यकर्ता किसके घर में आया है, ये बिल्कुल गिला सिकुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको एकजुट होकर के और जिसकी अपनी जिम्मेदारी होगी मोहल्ले में टोले में पारा में गांव में ऐसा मेहनत करना शुरू करेंगे तो ये आरक्षण विरोधी सरकार का हम इसी सत्र में तख्ता पलट कर देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, गर तमन्ना है दिल में तो लाख लाखों राह निकल आएंगे, गैर तमन्ना है दिल में तो लाखों बहाना चले आएंगे, इसलिए हमको बहाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चूंकि बस्तर से आए होंगे, हमारी संस्कृति और संस्कार वहां जिंदा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कई हजार साल पहले इगन मत्ता गोंडवानराज गोंडी धर्म गोंडी भाषा मत्ता उंडी समाज, 3500 साल पहले इगन कुर्री वातुर धन धरती धन बाटा किसी उल्टा सर्री वातुर इस गोंडवाना तुम भारत कंतर कतलातुर हिंदुस्तान मावा धरती पे राज किया तुर यार महाभिमान। इन्हीं चंद बातों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय सेवा जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय दरबू सिंह यूके जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और पूर्व विधायक। साथियों एक जानकारी देना चाहता हूं, आज का जो आंदोलन है धरना है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का भी समर्थन पत्र मिला है। साथियों जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष रायपुर धीरेन्द्र साहू जी ने एक समर्थन पत्र दिया है। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। साथियों, स्वागत के लिए मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ उनका स्वागत करना चाहती है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय तुलेश्वर सिंह परकाम जी का स्वागत करना चाहता हूं। सम्मानीय संजय कमरो जी को आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहना कर, और युवा मोर्चा राष्ट्रीय और प्रदेश सभी युवा मोर्चा को आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मुख्य अतिथि जी नवाब कुमार सरानिया जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथियों, आज के मुख्य अतिथि और आज के विशिष्ट अतिथि ये दोनों का स्वागत के लिए, साथियों स्वागत के बाद मैं आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्याम सिंह मरकाम जी को भी मैं स्वागत के लिए, बलबीर सिंह तोमर जी, श्याम सिंह मरकाम जी, दरबू सिंह यूके जी, संतोष चंद्राकर जी, ये सभी राष्ट्रीय नेता, और अरविंद गोंडवाना जी, सभी राष्ट्रीय नेता को